कि दोबारा अगर डिप्टी सीएम वहाँ पर आपके गांव में वोट मांगने आओगे आप दे पाओगे उसको? नहीं देवांगा। डिप्टी सीएम का चाणा काम है, जमानत जब्त कर देंगे और असल जींद जला में उसका खोसड़े लगेंगे, एक में भी नहीं बढ़ने देवांगे, कड़िया भी घुसने नहीं देवांगे। पिपली के अंदर जो आज किसानों की रैली है उसमें हम पहुंच रहे हैं, और जो आज किसानों की क्या यहाँ पर मांगे रहेंगी, मेरे पीछे आप पूरी वो देख रहे हो लोगों की पूरी भीड़ है, और कुछ हमारे साथ जो आज रैली है जन आक्रोश रैली उसमें यहाँ पर पूरे दर्शक पहुँचे हुए हैं, और उनसे कुछ दर्शक हैं हम आपसे मिलवाए भी गए, और क्या कुछ कांड रहेगा आज, कुछ जो रैली का क्या मुद्दा है उसमें सभी क्या यहाँ पर मांगे हैं? मांगे रही असं मंग रहे हैं भी किसानों हक नहीं मिल रहा, आप पंजीकरण करवा फसल किसान करते ने पंजीकरण ये करवा है, किल्या लंबर पुछता उसे भेड़ पवा झोने घर पे ने फसल बीज के की करके हाँ ते वो बिकन साढ़े तो बिची वह लवा रखे गा वो पंजा करनी वो नहीं दिंदा वो शर्मा पईया ने साड़िया घर काफी सालों से हमने दिल्ली का घेराव भी किया, तब भी किसानों के साथ किया था, हाँ, कि एमएसपी देंगे तो अब भी एमएसपी नहीं मिला, क्या आप लगता है आपको सरकार एमएसपी दे पाएगी? सरकार तो कुछ नहीं चंगा कर रही, कुछ नहीं चंगा कर रही, जे आखे ना चंगा कर रही है कुछ नहीं, किसानों वास्ते कुछ नहीं चंगा कर दी। हाँ आने वाले जैसे 2024 के अंदर चुनाव है, क्या उसमें क्या बीजेपी को आप वोट करोगे? ऐसा वोट जिते सरकार चंगी लगू उत्थे पावांगे, उत्थे पावांगे वोट जिते सरकार चंगी लगू। आने वाले समय में कौन सी चंगी सरकार लगती है? जे भी जे आह कर दे पंजीकरण बंद कर दे, जरा तपाया लोगों पंजीकरण के बंद करता हो है। अभी जो अभी सरकार मौजूदा सरकार है बीजेपी, ये कैसी है आपके साथ रूया करेंगे? ये चंगी नहीं सरकार ताही पकाई करते फिरते हैं, ताही फिरते हैं ना जी। देखिए जो आपने सुना जो यहाँ पर लेडीज थी, कुछ और साथियों से भी आपको मिलवाएंगे, और क्या यहाँ पर क्या कुछ इनकी मांगे रहेंगी, क्या कुछ और क्या कुछ जो आज के जो आपके मुद्दे हैं यहाँ पर क्या मुद्दे रहेंगे? ये सारे सारे किसानी मुद्दे हैं, ये जो एमएसपी की गारंटी नहीं है उसके लिए मुद्दा है, और जो तीन काले कानून बने थे उसके विरोध में अभी तक जो कानून पास करना था वो अभी तक मोदी ने करा नहीं, उसके विरोध में एक जन आक्रोश रैली है, जो बाढ़ आई थी उसका भी अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला, बहुत सारे मुद्दे हैं इस मुद्दों के लेके। आज पहले भी आपने कहा था कि एमएसपी पर कानून बनेगा, लेकिन बार बार सरकार आपको एक निराशा देती है, इसका क्या कारण? सरकार दोगलापन दिखा जाती है, उस टाइम ही सरकार ने कहा था अभी हमने एमएसपी के कानून बनाएंगे, अभी तक तो नहीं बनाया। इसी संगठन में हमने आज बड़ी रैली रखी है, इस रैली के बाद संघर्ष को और तेज करेंगे। क्या आने वाले अभी जो हालात चल रहे हैं कि आने वाले दोबारा जो 2024 के चुनाव है, क्या आप उसमें बीजेपी को वोट करोगे? नहीं नहीं, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे जी, कभी भी बीजेपी को वोट नहीं होगा जब तक बीजेपी अपने कानून बनाती नहीं है एमएसपी पे जी। हाँ जी, क्या आने वाले टाइम में आपने कौन सी सरकार बढ़िया लगती है? ये भविष्य के गर्भ में अभी तक जी, यानी कि बीजेपी तो आप इसको तो वोट करोगे नहीं, तो और तो किसी को तो करना सरकार तो किसान का मेरे वर्ग की बननी चाहिए जी, तो यानी कि बीजेपी सही नहीं है? नहीं, बीजेपी तो है ही नहीं ना सरकार तो, सरकार तो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, कुर्सी भी हो बेटा सरकार तो कुर्सी ही नहीं कम जी। फिर मार मैं तुम चाहवा मार जो किसान लड़ाई लड़न लग रहे नहीं, किसान मजदूर के बेटे संसद तक जावेंगे नहीं, विधानसभा तक जावेंगे, जो ही हुआ हमारे किसानों की मजदूरों की बात उठा सके हैं, और ये तो बेटा रेसिस के लोग आने तो हमें चुना है और उन्हें वहीं उड़ा जावे हैं, इनकी बार बेटा ना तो हमें बीजेपी ना तो हमें जे सोने की ईट देवे नहीं, मैं जो भी वोट कौन देवा, बीजेपी ने तो इनकी बार उखाड़ के फाकांगे, उखाड़ के कहते फाकांगे, इनका एक के रवैया है, मैं तो सबका गा जोड़का बिनती करूँ भाई, इनकी बार जो बीजेपी सरकार आएगी नहीं तेरा जो वोट का अधिकार है नहीं यू अधिकार छीना जावेगा, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है दोबारा वोट नहीं पड़ेंगे क्यों? ये तो संविधान ने एक आपको सुविधा दी गई कि वोट सबका अधिकार, अधिकार तो दिया था नहीं, फिर ये गंदी सरकार तो संविधान ने मानने को नहीं रही नहीं, संविधान तो खत्म करना चाहा है, जब इसका राज में संविधान खत्म हो गया नहीं तो फिर यू अधिकार भी खत्म हो जाएगा। हम तो यहाँ कहा सरकार तो सारी गंदी है यार, कुर्सी नहीं, फिर इनका ही तीटा हो
और कांग्रेस बनाओ शायद वहाँ भी पट्ठे चके फिर नू है ताकि अपना अधिकार बच जाएगा वोट का। और भाई दे 2024 में मोदी ने तुम्हें धूल सटाएगा छोड़ांगे उखाड़ के फाकांगे मोदी ने नहीं कड़ियाँ भी आने देवांगे एक एक शाप लेवांगे जो हमारे 750 भाई हाँ शायद तो ही है नहीं उनका जिम्मेवार मोदी है जी। मोदी भाई एक एक शाप लेवांगे जी गामा में आवेंगे नी उनके मंत्री आवेंगे उनके महल्ले आवेंगे उनको लू पूछांगे जी मारी बेटी सड़क को खींची थी नी उस टाइम तो मकड़े जा रहे थे वहाँ किसानों की बेटी नहीं थी वहाँ मजदूरों की बेटी नहीं थी उस टाइम वो हमारी बेटी सड़क पे वो खींची जाती उनको निशाप नहीं मिला। और नू पूछांगे जीनू कहा था नहीं काला दिन वापिस आवेगा वो काला दिन कहाँ गया वो 15 लाख खाता में कहाँ गए करोड़ों युवा ने नौकरी देने वाला जुमले बाज डाटा आयु यूनू कहा था मैं करोड़ों युवा ने नौकरी दूंगा आ तुम्हारे युवा भटकते फिर रहे हैं अपनी हत में तक रहे हैं दूसरे देशों में जाओ जे हमारे युवा ने आड़े नौकरी मिलती तो मामला दूसरे देशों में जान की क्या जरूरत पड़ती जिसका एक बाप का एक बेटा है वो मजबूरी में दूसरे देश में भी गया जे कहीं गया कहीं मुखीम होगी तो उन्होंने माँ बापा का भी तो जूना आराम हो गया बेटा जी मामले नौकरी लड़ाई लड़ांगे नहीं आंदोलन की पूरी ताकत लड़ाई लड़ांगे और जो ही मामला अधिकार मिलेगा बिना रोड़ा पाए तो चाहे कौन सी सरकार है जो अधिकार नहीं मिलेगा जी। आपका नाम? मेरा नाम दिलबाग है गांव मेरा क्षेत्र है बेटा जी जी। देखिए जी आपने अभी कहा गांव मेरा क्षेत्र आपके तो वहां के हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वो अभी क्या क्यों नहीं काम कर रहे? डिप्टी सीएम ने तो बेटा कुछ नहीं करा डिप्टी सीएम ने तो बताऊं जो देवीलाल ताऊ था नहीं हो उस ताऊ ने याद करे कर देनी उनका नाम रोशन देश में हरियाणा अपना नाम रोशन कराया था उसका भी नाम डुबो दिया थी उस डिप्टी सीएम ने तो। अब की बार क्या लगता है कि दोबारा अगर डिप्टी सीएम वहां पर आपके गांव में वोट मांगने आओगा आप दे पाओगे उसको? नहीं देवांगे डिप्टी सीएम का चाणा काम है जमानत जब्त कर देंगे और असल जींद जला में उसका खोसड़े लागेंगे एक में भी नहीं पढ़ने देवांगे कड़िया भी घुसने नहीं नहीं बीजेपी को वोट नहीं करेंगे।